हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल प्रिटी किचन। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा। फ्रेंड्स, अभी हम जो देख रहे हैं ये है इंस्टेंट सांभर रेसिपी। बिल्कुल 10 मिनट में बनकर ये रेडी हो जाएगा। और अभी जो है, अभी मानसून का पीरियड है, अभी थोड़े दिनों में विंटर भी आ जाएगा, तो सबको यही लगता है कि मस्त इडली सांभर, डोसा सांभर, बड़ा सांभर खाए। तो सांभर एकदम गर्मा गर्म और इंस्टेंट बने तो कितना अच्छा होगा, है ना। और बिल्कुल 10 मिनट में बनकर ये रेडी हो जाएगी रेसिपी। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। बेल आइकन बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली की व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं। और आपने जब अगर ये रेसिपी ट्राई की है घर पे, तो आपकी रेसिपी कैसे बनी, इसके सुझाव या फिर एक्सपीरियंस, अनुभव आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए, इतना डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी सांभर सिर्फ 10 मिनट में हमने रेडी कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच एडिबल ऑयल, जो भी खाने का ऑयल आप यूज़ करते हैं। उसके साथ हमने डाला है थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च चाहिए। इसको तोड़ के मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि तोड़ने के बाद इसकी जो टेस्ट है ना, वो ऑयल में घुल जाती है। इसके साथ मैंने डाला है थोड़ी सी राई। मैंने यहाँ पे बारीक राई यूज़ की है, बारीक राई बहुत ही टेस्टी होती है बड़ी राई से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन पे यूज़ कर रही हूँ, इसलिए जो तेल में मिर्च है वो अच्छे से हमें फ्राई करना है, ताकि मिर्चों की जो टेस्ट है तेल में अच्छे से घुल मिल जाए और मिर्च हमारी करारी हो जाए। हमें सिर्फ इसको जलाना नहीं है, इसकी टेस्ट हमें तेल में उतारनी है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे मसाला। अभी इंडक्शन पॉज किया है मैंने। इसमें डाला रेड चिल्ली पाउडर आधा चम्मच, नमक, सांभर मसाला 1 चम्मच, हींग आधा चम्मच और टर्मरिक आधा चम्मच। सांभर मसाला थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालती हूँ। इसमें डाला है कड़ी पत्ता, एकदम फ्रेश कड़ी पत्ता हमने इसमें डाला है। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। हमेशा ही जब आप छौंका लगाते हैं तो मसाले डालने के बाद थोड़ा सा पानी बिल्कुल डालना ज़रूरी है, नहीं तो सारे मसाले जल जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे वेजीज। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टमाटर, 1 अनियन यानी प्याज, थोड़ा सा कद्दू, थोड़ी सी लौकी और गाजर। सबको मैंने थोड़ा सा चौकोर कट कर लिया है, थोड़े से बड़े पीस रखे हैं, बहुत बारीक बारीक नहीं रखे हैं। आप अपने हिसाब से जैसे आप चाहे उस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे, मैंने सबसे पहले ये तुअर की दाल को 30 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिया था, सारी प्रोसीजर शुरू करने से पहले। यानी सुबह हम उठ जाते हैं ना, तब सबसे पहले तुअर की दाल को भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद इडली, डोसा, वड़ा, जो भी आप मतलब प्रोसीजर करते हैं, उससे सबसे पहले हम ये तुअर की दाल को भिगोने के लिए रख देंगे। तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं, जैसे सुबह उठकर जो भी काम हमें करना है, फिर तब तक ये भीग कर हो जाएगी रेडी, है ना। इसलिए ये 10 मिनट में सांभर रेडी हो जाता है, क्योंकि 10 मिनट में ये जो दाल है पककर और रेडी, छौंका तो ऑलरेडी हमने लगाया ही है इसमें, तो दाल को भी पकने के लिए टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 ग्लास पानी। आप चाहे तो कम ज़्यादा इसकी मात्रा कर सकते हैं। और हाँ, तुअर की दाल मैंने आधी कटोरी यानी आधी बाउल यूज़ की थी। आधा बाउल 4 जन के लिए ऑलमोस्ट हो जाती है, 4 अगर लोग हैं फैमिली में तो आधा बाउल दाल अच्छे से सबके लिए हो जाएगी। अब हम इस तरीके के, मैं आपको पीसेस दिखाती हूँ, देखिए थोड़े से बड़े ही रखे मैंने पीसेस, क्योंकि अगर किसी को कद्दू के पीसेस पसंद नहीं तो वो थोड़े से अलग निकाल सकते हैं। लेकिन
ये सारी वेजीज पकने के बाद हम थोड़ा सा इसको स्मैश करेंगे अपनी रवी के साथ, गुटका के साथ। अब हम इसको करेंगे विसल। सबसे पहले बड़ी सीटी एक बार हो जाने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर इसकी सीटियाँ 3 से 4 हो जाएगी। अब ये हो गया है रेडी। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा सांभर, बहुत ही टेस्टी और सुंदर हो गया है। बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए ये दाल पूरी गल चुकी है, पक चुकी है। अभी तो मैं इसको, मतलब मुझे नहीं लगता इसमें मैंने रवि घुमानी चाहिए। ये है इमली का घोल। थोड़ा सा इमली को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। इसके साथ जाएगा कोरिएंडर, थोड़ा सा हरा धनिया। अब ये बिल्कुल रेडी है परोसने के लिए। सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, सबको बहुत जल्दी होती है, तो उस हिसाब से मैंने ये रेसिपी ढूंढ कर निकाली है। बिल्कुल बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। सांभर बनाने के लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत 10 मिनट में अपना सांभर रेडी हो जाता है। तब तक इडली पक जाती है, सांभर बन जाता है और वड़ा भी बन जाता है या फिर उत्तपम बन जाता है। तो इसके बाद बिल्कुल भी आसानी से आप सांभर बना पाएंगे, तो मेरी रेसिपी बिल्कुल ट्राई करिएगा। ये लीजिए बिल्कुल टेस्टी डिलीशियस सांभर रेडी है। तो फ्रेंड्स, अभी फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली की व्हाट्सएप ग्रुप पर प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही क्विक इंस्टेंट रेसिपीज़, इनोवेटिव रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।